राजद के मंत्री कह रहे हैं चरित्र मानस को लेकर हमला करवाती है सेना पर चुनाव जीतने के लिए। आप बोलिए रामचरित्र मानस को लेकर बिहार में जो विवाद छिड़ा है क्या कहना है? मंत्री माफी मांगने को तैयार नहीं है। पहले विपक्ष के नेता से बात कर लीजिए या हम बोलेंगे तब विपक्ष के नेता से। आप लोग सोच लीजिए। हाँ आपके बात पहले आप बोलिए ना। देखिए बिहार की सरकार एक तरह से सत्ता की सरकार है। ये आपसी मेलजोल या तो नीतीश कुमार देश के सबसे लाचार मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा जो डिप्टी सीएम कह रहे हों कि हम क्या बोलेंगे, छोड़िए इस सब बात को। और नीतीश कुमार कह रहे हैं गलत, जदयू के लोग कह रहे हैं कि वापस लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि देश का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जो सत्ता के लिए गठबंधन करके अब चल रहे हैं और देश में क्या एनडीए यहाँ एनडीए की सरकार नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो भारत के सनातन धर्म को अपमानित करने का कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और नीतीश को मैं तो मानता हूँ या तो नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं या वो लाचार हैं नौटंकी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है तो उनको हटा देना चाहिए। अगर इतना हिम्मत नहीं है तो मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार के सह पर हो रहा है या नीतीश कुमार लाचार हैं। लेकिन जदयू के मंत्री तो जदयू के नेता तो खुद ही हनुमान चालीसा लेके मंदिर जा रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि इन्हें माफी मांगना चाहिए, गलत बयान है। तब इसका मतलब नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं, सत्ता के लिए हैं और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिस मुख्यमंत्री की बात मंत्री ना सुने। लेकिन दादा तो राजद कह रही है कि सेना पे भारतीय जनता पार्टी हमला करवाती है चुनाव जीतने के लिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा हो सकता है, सेना को अपमानित कर सकते हैं, सेना को गाली दे सकते हैं। भारत का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा नहीं करता। केसीआर ने जो बैठक बुलाई उस केसीआर ने दादा जो बैठक बुलाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अलग कर दिया। आपने पटना में ही देखा कि केसीआर ने नीतीश कुमार उठ बैठ करा रहा था, यानी अपोजिशन में कितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अभी यही तय नहीं हुआ है, इसीलिए केसीआर इनको नहीं बुलाया क्योंकि वो भी एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है।